स्वागत है आपको हमारे चैनल फूड साइट पर। हम बनाएंगे सोयाबीन का सब्जी। ये सोयाबीन हमने ले लिया है, ये वही सोया है जिसका सोयाबीन का बरी जो बनता है वो, और ये उसका तेल भी बनता है, और ये बहुत ही हेल्दी होता है और ताकतवर होता है। इसको हम रात भर पानी में भिगो देंगे। ये हमने रात भर पानी में भिगो दिया है और अच्छे से इसको धोकर पानी से अलग कर दिया है। अब इसका हम बनाएंगे सब्जी। हमने 3 से 4 प्याज बारीक काट लिया है। अब इसे हम भून देंगे कढ़ाई में। हमें कढ़ाई में तेल देकर प्याज भून दिया है। हमने 1 मिर्च भी इसमें काट के डाल दिया है। प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब ये इसे हम सोयाबीन डाल देंगे। हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और इसे ढक देंगे थोड़ा देर के लिए। जब तक हमारा सोयाबीन पक रहा है तब तक हम इधर मसाले की तैयारी करेंगे। हमने लिया है मसालों में जीरा, काली मिर्च, आधी इंच अदरक का टुकड़ा और 3-4 कलियां लहसुन का। इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। हम पेस्ट बना लिए हैं, उसमें ऊपर से दे दिए हैं हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। इधर हम ढक्कन खोल कर देखेंगे। अब इसमें हम सभी मसालों को डाल देंगे। आधे मसाला भुना गया है, इसे हम डाल देंगे गरम मसाला। इसे भी थोड़ी देर हम भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुना गया है, इसमें अब हम डाल देंगे पानी। थोड़ा पानी और हम देंगे, पानी उतना ही देंगे जिसमें अच्छे से ये पक जाए और एक आध दाना घुल जाए। ऐसे हम ढक देंगे। हमारा सोयाबीन का सब्जी बनके तैयार है।